सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो टुडे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग साइक्लिस्ट को बहुत सारे रिमोट लोकेशंस एक्सप्लोर करने होते हैं। तो रिमोट लोकेशन मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो जाता है जहाँ से कोई भी सिटी से आप अगर पकड़ रहे हो। तो फिर क्या होता है कि आपका पूरा डे निकल जाता है कि आप जाओगे 100 किलोमीटर, फिर एक्सप्लोर करोगे, फिर रिटर्न आते आते अंधेरा होता है, इट नॉट सेफ। तो ऐसे टाइम पे मुंबई लोकल या फिर लोकल ट्रेन से अगर आप आ सकते हो घर पे, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। बट क्या होता है कि मुंबई लोकल का बहुत कंफ्यूजन है साइकिलिस्ट लोगों में कि कितना पैसे चार्ज करते हैं, उसको लेके कैसे जाना है साइकिल से, देन कहाँ पर टिकट खरीदी करना है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं साइकिलिस्ट के लोगों के मन में। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो उसके लिए विनीत कोठारी हमारे गेस्ट है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू विनीत भाई। सो ही इज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ घाटकोपर साइकिलिस्ट क्लब एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू कैरिंग साइकिल इन ट्रेन, स्पेशली मुंबई लोकल्स एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स, ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही हैज़ ऑल्सो आस्क्ड द अथॉरिटीज ऑफिशियली एंड लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज़ डन, ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज की एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर आपको ट्रेन से साइकिल लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है तो। सो आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। वेलकम विनीत भाई, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन एंड थैंक यू सो मच अनीश। यस वेलकम। सो विनीत भाई, सो आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो आई स्टार्ट आस्किंग देम वन बाय वन। सो फर्स्ट हम लोग चालू करते हैं लोकल ट्रेन से, मुंबई लोकल जो होते हैं स्पेशली, बाकी सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता बट सेम ही होगा इन प्रोसीजर। सो फर्स्ट वे स्टार्ट विथ मुंबई लोकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली अभी सिचुएशन क्या है कि एक्चुअली लोगों को कितना चार्ज कर रहे हैं वो लोग, क्या सीन है एज ऑफ नाउ? एज ऑफ नाउ सीन ऐसा है मुंबई में कि जो भी चार्जेस है वो टीसी को भी कभी कभी पता नहीं होता है, और फाइन का जो चार्ज होता है आपने जब भी अगर कोई टिकट नहीं लिया और आपको जो पकड़ा जाता है वो चार्जेस का आपको एक रिसिप्ट पकड़ा दिया जाता है। तो जो नॉमिनल चार्जेस है उससे 6 times आपको चार्ज करना पड़ता है। तो बेसिक इश्यू ये है कि टीसी भी आपको कोई रूल बुक बताएंगे नहीं, आपको सीधा वो, आप अगर सामने से भी उनको बोलोगे कि मुझे टिकट चाहिए तो भी आपको वो फेयर प्राइस का टिकट नहीं देंगे, आपको वो पेनल्टी वाला ही टिकट दे रहे हैं। करेक्ट। सो मेरा भी एक फ्रेंड है, उसने भी मुझे अभी इंस्टाग्राम पे बोला कि मुझे 500 rupees चार्ज किया था सिर्फ राइट कसारा से कल्याण आने तक। सो इवन दे चार्ज कुछ भी अमाउंट बोल देते हैं, that is not the case. So actually what is the real price and how is it calculated? तो इसे मैं क्लब करूँगा पार्सल और लगेज से। मैं आपको शुरुआत से ही बहुत सारे डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे एक के बाद एक। जो बाहर गाँव की ट्रेन रहती है जहाँ आप पार्सल में या लगेज वैन में जो सामान भेज सकते हो, सिमिलर रेट मुंबई के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन टीसी के पास एक प्राइस बुक होती है जो मैंने इंटरनेट पे भी सर्च करने का ट्राई किया, मुझे कहीं पर मिला नहीं है वो बुक। लेकिन अमोंग द सेम लाइन उनके पास बुक में रेट्स लिखे रहते हैं। तो आपके पास आपको अगर कोई चार्ज पूछता है कि आपको टिकट दे देता है तो आपको उसको पूछना है आपने कहाँ से ये चार्ज लिया। आप उनसे रूल बुक मांग सकते हो, आप उनके पास से प्राइस बुक भी मांग सकते हो, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, लेकिन वो करने पर ही आपको उसका आंसर मिलेगा, वरना आपको फिर वो जो फाइन वाला टिकट देंगे वो पेनल्टी वाला वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके। सो ये रूल बुक उनके पास अगर सपोज अवेलेबल नहीं होगा तो हमारे पास कोई PDF है जो हम सेव करके रख सकते हैं? हाँ, मैंने रेलवेज की साइट से लगेज और पार्सल दोनों के रेट चार्ट रहते हैं और लगेज के टाइप्स रहते हैं। ओके।
लगेज में एल टाइप है जो लगेज को अप्लाई होता है, और पार्सल में और तीन टाइप है, स्केल आर, स्केल पी और स्केल एस। एस मतलब स्टैंडर्ड सर्विस है, पी मतलब प्रीमियम सर्विस है, और आर मतलब राजधानी सर्विस है। राजधानी पार्सल सर्विस, प्रीमियम पार्सल सर्विस, ऐसे क्लास बनाए हुए हैं। तो हम यूजुअली लगेज कैटेगरी में ही आएंगे, तो स्केल एल के हिसाब से जो रेट है वो हमें लगना चाहिए। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन साइकिल वेट वो कैलकुलेट होगा क्या? करेक्ट। तो साइट पे उन्होंने क्लासिफाई किया कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आएगा, क्योंकि दो टाइप से आपके पार्सल मेजर आपको चार्ज किया जाता है, एक है वेट और एक है साइज़। नॉर्मल साइज इन साइजिंग के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट आता है तो वो वेट के हिसाब से ही होता है। ओके। जैसे ही आपका कुछ डायमेंशन बढ़ जाता है तो उसमें आपका भले ही प्रोडक्ट कुछ कम वेट का है लेकिन उसके एक अलग वेट कैटेगरी दिया गया है। तो बाइसिकल के लिए 40 केजीज की कैटेगरी में बाइसिकल आता है, बच्चों की साइकिल के लिए 25 केजी या ऐसा कुछ, वही साइजिंग के हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में आता है। लेकिन जो हम साइकिलिस्ट जिसका कंसर्न है अभी, उसको हम वो लोग 40 केजी के अंडर कैटेगराइज करते हैं, और उसको पार्सल के लिए वो लोग स्केल आर राजधानी पार्सल सर्विस में इंक्लूड करेंगे, और वरना लगेज है तो स्केल एल के हिसाब से जो फेयर रेट है वो हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हैं। ओके, सो अप्रोक्स अभी कितना अमाउंट होगा? बिकॉज साइकिल तो 40 केजीज का नहीं होगा, बिकॉज जनरली मैक्सिमम 20 केजीज का साइकिल होता है। हाँ, लेकिन फिर भी उसे आपको कैटेगराइज तो 40 में ही करना पड़ेगा। उसमें भी अभी जो रेट्स है वो फर्स्ट 50 किलोमीटर 1 to 50 किलोमीटर्स के लिए 30 रुपीज़ है। ओके। बाद में 51 to 60 के लिए 32 रुपीज़ है। एवरी 10 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 2 रुपये से जो रेट है वो बढ़ रहा है। तो अभी मैं आपको अगर 200 किलोमीटर के लिए बताऊं तो रेट अप्रोक्सीमेटली 61 तक जा रहा है। ओके। तो कितना भी आप उसे एग्जाजरेट कर लो, वो रेट जो हमें फेयर दिया जाता है पेनल्टी के साथ 500 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 400 रुपये, वो रेट फेयर रेट नहीं है। वो आपको पेनल्टी वाला रेट लगा के मन के हिसाब से, क्योंकि हमें भी पता है कि वो टीसी को कुछ अपने कोटा भरने रहते हैं, टारगेट्स कंप्लीट करने रहते हैं, वही सेल्स पर्सन के जैसे वही हो रहा है यहाँ पर शायद, कि उनको कुछ टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, वरना वो इस तरीके से हमें चीट नहीं करते। ओके। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, शायद वो सही हो सकते हैं। हमने अभी तक टीसी को कभी पूछा नहीं है कि क्यों हमें आप ये चार्ज कर रहे हो, गलत चार्ज कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उन्होंने हमें चीट किया हुआ है, हमें गलत रिसीप्ट दी गई है एग्जैजरेटेड वैल्यू के साथ। यस यस। सो इन टू समराइज, एक रूल बुक है वो टीसी के पास आप मांग सकते हो, अगर उनके पास नहीं होगा तो आप टीसी ने आपको 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 स्टेशन मास्टर ऑफिस के पास जाके लेना है। लोकल ट्रेन्स के लिए स्टेशन मास्टर ऑफिस जाना है, हर एक स्टेशन में एक स्टेशन मास्टर ऑफिस होता है, वहाँ पर से आपको आपको बुक करना है आपका साइकिल। हाँ करेक्ट। अगर उनके पास रूल बुक नहीं होगा देन यू विल हैव द पीडीएफ, उसमें आपके वेट उनको आपको समझाना पड़ेगा कि साइकिल 40 के जिस कैटेगरी में आता है एंड इतने इतने डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है तो उस हिसाब से इतना प्राइस होगा, एंड मैक्सिमम 200 किलोमीटर्स के लिए भी आप बोल रहे हो तो 61 ही होता है। हाँ, यहाँ पर जो मेरे पास स्केल एल का मतलब लगेज पार्सल सर्विस का जो फेयर है रेलवे की साइट से ही मैंने उठाया है, उसमें 200 किलोमीटर के लिए 62 रुपीज़ है। अगर मैं जो रूल बुक में उन्होंने आर कैटेगरी पार्सल में उन्होंने राजधानी कैटेगरी में भी रखा है, उसमें भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो 200 के लिए और कम 51 रुपीज़ है, सिर्फ 51 200 किलोमीटर तक। ओके। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, इससे एक और क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल एंड आर, राजधानी एंड एल, किस में बुक करना चाहिए? हाँ, इसे हमें अभी बाहर जाना पड़ेगा, लोकल से बाहर गांव जाने के लिए जो तरीका है। तो जब भी अगर आप बाहर गांव जा रहे हो तभी आप साइकिल को दो तरीके से बेच सकते हो।
एक है लगेज और दूसरा है पार्सल। लगेज का मतलब है कि आप और आपकी साइकिल साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। पार्सल का मतलब है आप अलग ट्रेन में हो या फिर ट्रैवल नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ साइकिल भेज रहे हो। समझ। तो स्केल L मतलब लगेज आपके साथ जा रहा है, इसलिए शायद रेट ज़्यादा है, तभी आपको हैंड ओवर हो जाएगा। पार्सल में वो लोग अपने हिसाब से उसे डिलीवर कर देंगे और फिर उसका स्टेटस आपको पता चलेगा और आप इसको पिकअप कर सकते हैं। ओके, सो लगेज इज जनरली फॉर मुंबई लोकल ट्रेन, जहाँ पे आप खुद साइकिल के साथ ट्रैवल करोगे। अरे नहीं, आप बाहर गाँव भी अगर जा रहे हो और आपके साथ साइकिल जा रहा है आपका, तभी भी आपको स्केल L लगाएंगे। हाँ ठीक। लेकिन अगर बाहर गाँव के टाइम आप अपने साथ, हाँ मुंबई लोकल के लिए हम स्केल L ही कंसिडर कर सकते हैं। करेंटली हम लोग मुंबई लोकल का बात कर रहे हैं ना, इसके लिए ठीक है। चले तो ओके, अंडरस्टूड। तो रूल बुक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप दे दोगे मुझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू बुक टेक द टिकट। सो ये आपने बताया कि स्टेशन मास्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। हाँ, लोकल ट्रेन में अगर आपको ट्रैवल करना है तो स्टेशन मास्टर ऑफिस में जाना है। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए स्टेशन मास्टर ऑफिस, और अगर बाहर गाँव भी जाना है तो पार्सल ऑफिस में बुकिंग होता है, वहाँ पर आपको जाके आपका साइकिल के लिए बुकिंग करना पड़ेगा। ठीक है जी। एंड आपका नॉर्मल टिकट आपको नॉर्मल काउंटर पे ही लेना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल टिकट आपको नॉर्मल काउंटर पे ही लेना। आपको अलग से खुद का पर्सनल टिकट भी निकालना पड़ेगा साइकिल के अलावा। करेक्ट। ओके ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं राइड के लिए, तो 4 AM को अगर निकलते हैं तो हम लोग फर्स्ट ट्रेन पकड़ने का ट्राई करते हैं, बट कभी कभी मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि TC नहीं रहता है वहाँ पे, तो एट सच पॉइंट व्हाट कैन बी डू? स्टेशन मास्टर भी शायद आप ऑफिस। हाँ, तो शायद ट्वीट करके रख सकते हैं। मुझे लगता है ट्वीट एक अच्छा तरीका है कि आपने तो आपकी तरफ से ट्राई किया है, या फिर एक फ़ोटो लेके भी TC मास्टर के पास एक फ़ोटो ले लो कि देखो ऑफिस बंद है, वो आपको एक एज अ प्रूफ मिलेगा। भले हमारे पास सुबह टाइम नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको सेफ गार्डिंग के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, ये थियोरेटिकली शायद आप गलत हो सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। टिकट कहाँ से लेना है और टिकट से किसी से कैसे बात करना है, दैट इज डन बिकॉज रूल बुक यू कैन शो दैट। कभी कभी क्या होता है कि यू आर स्पीकिंग विद द TC एंड ही इज नॉट रेडी टू लिसन, डज नॉट एग्री। सो एट सच पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट कैन वी डू? इवन आफ्टर शोइंग रूल बुक भी दिखाया हमको, तो व्हाट कैन वी डू? तो मेरा एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं एक फ्रेंड के साथ साइकिलिंग कर रहा था, वेटरन, बहुत ही अच्छे साइकिलिस्ट है, उनके पास टेंडम था और मेरे पास अपना नॉर्मल साइकिल था, और वो हम लेके ट्रैवल कर रहे थे। पनवेल से हमें आना था घाटकोपर लोकल ट्रेन में, और हम सामने से टिकट ऑफिस जा रहे, स्टेशन मास्टर ऑफिस जा रहे, और हमने बोला कि हमें टिकट दीजिए। हमें उन्होंने बोला कि आपको 300 रुपये या 500 रुपये पर साइकिल जो भरना है तभी, और तभी तक मैंने सब समझ लिया था कि क्या रूल है, कितना फेयर होना चाहिए, और करेक्ट टिकट भी मैंने ऑप्टेन की थी, और जो दूसरे साइकिलिस्ट थे वो भी टूरिंग करते, उन्होंने भी ली थी। सो वी वर कॉन्फिडेंट के दे कैन नॉट ओवर चार्जेस एंड वी विल फाइट इट आउट। हम लोग मूड में थे कि इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, हम जो सही अमाउंट है वही देंगे। तो हमने बोला कि हम आपके पास से सामने से आए हैं, आप हमें पेनल्टी वाला टिकट लगा रहे। उन्होंने हमें रूल बुक नहीं बताया, वो हमारे साथ मानने के लिए तैयार नहीं है, और वहाँ पर पुलिस भी आ गया, क्योंकि मैंने झगड़ा करना तब तक चालू कर दिया था, मेरा वॉइस का लेवल जो है वो बढ़ चुका था तब तक। तभी मुझे पता था कि रेलवे और रेल मिनिस्टर जो है वो प्रोएक्टिव है ट्विटर पे, एंड दे आर लिसनिंग टू ट्रैवलर्स और पैसेंजर की केयर कर रहे वो लोग। तो मैंने तब तक ट्वीट कर दिया था, और ये सिलसिला झगड़ा करने का हमारा और TC के बीच में अंदाज से 40 मिनट तक चला था। लेकिन क्योंकि ट्वीट में जो DC RM या कोई वो एक पोजीशन है, शायद मैं अभी नाम भूल गया हूँ, वहाँ से
आ गया था उनके पास कि यहाँ पर एक कंप्लेन आया है टिकट मास्टर को कि इसे सॉल्व कीजिए करके, तो उनके तेवर तुरंत बदल गए और 63 रुपी का कुछ टिकट बना था टैंडम का, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा था और मेरा टिकट कुछ 45-43 आई डोंट नो वही कुछ नॉमिनल जो नॉमिनल चार्जेस थे उसी में बन गया था। तो मुझे लगता है अगर वो नहीं मान रहे थोड़ा पेशेंस रख के ट्वीट कर दो, आधा घंटा नहीं तो उतने टाइम में शायद उधर से कुछ रिप्लाई आ जाएगा और आपका ग्रीवेंस सॉल्व हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ट्वीट का आंसर मिले रिप्लाई, लेकिन हाँ हमारा नसीब था कि सॉल्व हो गया था इशू। और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भेजूंगा, आप शायद वीडियो के साथ उसको लिंक में रख सकते हो, लोग उसे एक्सेस कर सकें, तो वो डॉक्यूमेंट अगर राइडर्स अपने साथ रखेंगे तो उनको वो सहूलियत होगा। एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करता है कि बाइसिकल जो है वो 40 kg के कैटेगरी में आता है, तो ये आपका सॉर्टेड है कि ये ना ही वो 200 kg के लिए चार्ज कर सकते हैं, 400 kg के लिए नहीं चार्ज कर सकते, 40 kg के हिसाब से। बाद में वो रूल बुक में आएगा कि कौन से फेयर डिस्टेंस के हिसाब से आएगा, तो डिस्टेंस में कौन सी स्केल लगाएंगे, स्केल L लगाएंगे या स्केल R लगाएंगे। तो हम चारों डॉक्यूमेंट रख देंगे, स्केल L, R, P और S, उसमें से जो भी वो बताए, हम तो स्केल L के हिसाब से भी जो सबसे ज़्यादा रेट है, तो स्केल L के हिसाब से जो डिस्टेंस का रेंज है वो दोनों डॉक्यूमेंट अगर एक साथ रखती है तो राइडर को कोई इशू नहीं आएगा मुझे लगता है। और ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट भी वो लोग वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। शायद ये वीडियो आज पोस्ट करेंगे और 5 साल बाद अगर रेट कुछ चेंज हो गए तो अपडेटेड डॉक्यूमेंट अपने साथ राइडर्स रख सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेबसाइट का लिंक भी नीचे दे दूंगा। ठीक है, ओके, गुड गुड, नाइस। ओके, सो सपोज समटाइम्स राइडर्स को इतना टाइम नहीं है कि वो टिकट नहीं निकाले, एंड इफ दे गेट कॉट, सो वॉट इज द मैक्सिमम फाइन? आई थिंक इट इज 290 रुपीज, बट जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि फाइन क्या है अगर टिकट नहीं निकाला, राइडर की गलती है अगर। जब से मैंने 2-3 बार झगड़ा किया इनिशियली, जब TC नहीं मान रहे थे तभी मैंने 2-3 बार, जैसे आपको बताया एक बार तो झगड़ा किया, लेकिन ऐसे 2-3 बार और इंटरेक्शन किया है मैंने, और झगड़ा ही बोल सकते हैं क्योंकि मैं उनके साथ अग्री नहीं कर रहा था और आर्ग्यूमेंट्स किए थे मैंने TCs के साथ। तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी आपको वो पेनल्टी वाला ही रिसिप्ट देने वाले हैं। मैं आपको एनकरेज नहीं करना चाहता कि आप कुछ गलत कीजिए, लेकिन अगर आप विदाउट टिकट भी ट्रैवल करोगे और पकड़ा जाएंगे तो 6 गुना टिकट तो वैसे पहले भी देना था और बाद में भी देना है। रूल बुक के हिसाब से मैंने आपको वो चार्ट दे दिया है, आपने रेट देख लिया है कि मुंबई में आप कहाँ कितना ट्रैवल करोगे, 50 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसका भी वैसे 30 रुपये है, बट बढ़ के समझो 50 रुपये हो गए। जो पेनल्टी है वो स्केल R का 6 गुना है, समझो L भी गिना और उसका भी 6 गुना गिना, तो 300 रुपये से ऊपर आपका पेनल्टी नहीं जाने वाला है। 6 × 5 = 300, ये सिंपल मल्टीप्लायर है, तो विदाउट हेजिटेशन आप 300 रुपये जेब में रख के जा सकते हो, अगर TC ने पकड़ा तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सम पीपल, वन पर्सन हैड आस्क्ड कि कैन वी कैरी साइकिल इन नॉर्मल कोच जहाँ पे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। तो मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ, जो डायमेंशन लिमिट बाहर गांव की ट्रेन्स के लिए, उसमें भी डिमेंशन जो है वो आपका जो सूटकेस ट्रंक बॉक्स कुछ भी है उसका डिमेंशन 100 cm/60 cm/25 cm, ये डिमेंशन क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो सेम उससे तो स्ट्रिंजेंट ही रहेगा, लेकिन वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो आपको आपका जो बाइसिकल है वो लगेज में ही ट्रैवल करना है, और ये एनकरेज इसीलिए भी करना है क्योंकि अगर आप अपना साइकिल पैसेंजर कंपार्टमेंट में लेके जाते हो तो दूसरों को उससे अनकंफर्टेबल होगा, तकलीफ होगा, और पूरी साइकिलिंग कम्युनिटी को उससे अफेक्ट होता है। तो
तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम साइकिलिंग कम्युनिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो सभी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है टूवर्ड्स साइक्लिस्ट वो अच्छा है, एक्सेप्ट कार और बाइक वाले जिन्हें आप पसंद नहीं आओगे, लेकिन आप जनरल मास से बात करोगे तो आपके लिए आउटपुट उनका सबका पॉजिटिव रहेगा। तो ये ख्याल रखना है कि ऐसे इंसिडेंट्स अगर बढ़ते जाएंगे कि हम अपना साइकिल नॉर्मल कंपार्टमेंट में लेके जाएंगे और लोगों को इश्यू आएगा, तो देन साइक्लिस्ट आर न्यूसेंस फॉर सोसाइटी। तो वो इमेज हमें नहीं पोर्ट्रे करना है। इट्स ट्रू, जैसे कोई भी हम अगर अकेले भी साइकिल चला रहे हैं एंड अगर हम कुछ करते हैं तो पूरे साइकिल कम्युनिटी को इफेक्ट होता है। करेक्ट। आर देयर एनी टाइमिंग्स फॉर कैरिंग साइकिल इन ट्रेन और एनी टाइम यू कैन कैरी जैसे नॉर्मल? नहीं, यू कैन कैरी योर बाइसिकल एट एनी टाइम, टाइमिंग का कोई इशू या कंसर्न नहीं है। ठीक है, डन। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट मुंबई, कैरिंग साइकिल इन मुंबई लोकल ट्रेन्स। नाउ लेट्स शिफ्ट टू मेट्रो ट्रेन। सो जैसे मुंबई मेट्रो है, मोनोरेल है, सो इज इट अलाउड टू कैरी साइकिल इन दोस मुंबई लोकल एंड मेट्रो? नहीं, जो आरटीआई मैंने फाइल किया था उसमें मोनोरेल की तरफ से आंसर आ चुका है कि कोई भी बाइसिकल या कुछ लगेज वैसा अलाउड नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट वर्डिंग चाहिए तो मैं एग्जैक्ट वर्डिंग भी पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। द बैगेज परमिटेड ऑन मोनोरेल शैल नॉट एक्सीड 60 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। तो जो मोनोरेल का रिक्वायरमेंट है उसमें जो डायमेंशन है वो 60 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर है, उसके अलावा कोई बैगेज अलाउड ही नहीं है। सो मोनोरेल में आप नहीं ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे। और मेट्रो की तरफ से मुझे कोई आरटीआई में रिप्लाई नहीं दिया था तो वो आंसर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सर्टेन हूँ कि मोनोरेल में नहीं अलाउड है, मेट्रो में भी नहीं होगा। मेट्रो में भी नहीं होगा। वन मोर थिंग इज कि अभी बीच में हमने देखा था कि जो वेस्टर्न लाइन में एसी ट्रेन चालू हुआ है मुंबई लोकल, उसमें दे हैड मेड सम कंपार्टमेंट फॉर साइकिल। सो इज इट ट्रू और इट्स जस्ट मैंने ऑब्जर्व थियरी? मैंने तो ऐसा मेरे ऑब्जर्वेशन में तो नहीं आया है। ठीक है, ओके। ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट मैंने देखा था कि आने वाले मेट्रो के जो कंपार्टमेंट्स है उसमें वो लोग प्रोविजन देने वाले थे। अभी वो कितना फिजिबल है वो प्रोटोटाइप था, अभी फाइनल में आ रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि आप लेके जा सकते हो उसके अंदर कंपार्टमेंट में। फोल्डी साइकिल अलाउड है बाय द वे, आप फोल्डी साइकिल मेट्रो में लेके जा सकते हो क्योंकि वो फोल्ड हो जाती है। इवन बस में भी अलाउड है। राइट, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं साइकिल टू वर्क में तक गए तो बस में डालते हैं। सो अभी हम लोग का मुंबई लोकल हो गया, मेट्रो हो गया, मुंबई हो गया, तो फाइनली एक्सप्रेस ट्रेन जो होते हैं, सपोज आपको बैंगलोर जाना है या फिर कोई दूसरा सीट बहुत दूर ही जाना है, तो डेफिनेटली आप पार्सल भेजोगे या फिर खुद अपने साथ लेके जाओगे। सो व्हाट इज हाउ टू कैरी योर साइकिल इन एक्सप्रेस ट्रेन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर? लाइक मुंबई लोकल में आप टिकट मास्टर के पास जाते हैं, वैसे एक्सप्रेस ट्रेन में क्या करना पड़ेगा? पार्सल ऑफिस होता है, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर पार्सल ऑफिसेस होता है। यूजुअली आई वुड रिकमेंड कि आपका जो स्टार्ट पॉइंट है वो ऐसा ही प्लेटफॉर्म, ऐसा ही स्टेशन रखो जो बड़ा प्लेटफॉर्म है और जिसका पार्सल ऑफिस ओपन है। कभी कभी पार्सल ऑफिस दादर मोस्टली CST, राइट? ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बाइसिकल लेके जाने के दो मोड है, एक है एज अ लगेज और एक है एज अ पार्सल। तो यूजुअली हम प्रीफर करेंगे, क्योंकि हम भी खुद टूर पे जा रहे हैं, तो हम प्रीफर करेंगे कि हम एज अ लगेज लेके जाएं। लगेज मतलब बाइसिकल आपके साथ ही आपकी आपकी ट्रेन में लगेज कंपार्टमेंट ब्रेक वैन में रहेगा, करेक्ट? और अगर आपको नहीं भेजना तो आप ऐसा पार्सल भी भेज सकते हो, उसका रेट चार्ट अलग है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लगेज का रेट चार्ट अलग है और पार्सल का रेट चार्ट अलग है। पार्सल में भी तीन कैटेगरी है, एक है
आर राजधानी, पी है प्रीमियम और एस है स्टैंडर्ड। अभी उसे कैसे बुक करेंगे आप? तो बाइसिकल बुक करने के लिए आपको 30 मिनट्स पहले जाना है, कम से कम 30 मिनट्स पहले ट्रेन चालू होने के। मैं आपको फिर भी बोलूँगा आप 30 से बहुत पहले जाइए, क्योंकि बहुत दूसरे लोगों के सामान भी उसमें जाते रहते हैं। मैंने आपको एक फ़ोटो भेजा है जिसमें पूरा सामान से भरा हुआ लगेज है ना, तो अगर वो भर गया तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। फिर आपका बाइसिकल वो लोग एज अ पार्सल भेजेंगे कोई अलग साइकिल में जो आपको पहुंचाया जाएगा। तो इट इज़ बेटर आप पहले पहुंच जाओ। अगर आप पहले पहुंच गए हो तो आपको लगेज वैन में साइकिल रखने का जगह मिलेगा। जब भी आप पार्सल ऑफिस जाओगे तभी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपका बाइसिकल का आइडेंटिटी, कौन सा ब्रांड है, कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है। जो नॉर्मल आप खुद की टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पे जाके कैसे करोगे, वैसे आपकी बाइसिकल के लिए एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर जैसे ही आप करोगे, CST में वो प्रोसीजर आ गया कि आप अगर रजिस्टर करते हो तो आपको एक SMS भी आ जाता है, मतलब डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन जब भी मैंने केरला में उसको किया था सेम जर्नी में रिटर्न आने के लिए, तभी वो सिस्टम अभी तक इन प्लेस नहीं था। तो कुछ स्टेशन से आपको एक SMS आएगा, कहीं से नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो रिसिप्ट, आपका रिसिप्ट नंबर रहेगा। वो रिसिप्ट नंबर आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपका जो साइकिल आप रख रहे हो उसमें वो नंबर मेंशन करना है। तो अभी प्रोसीजर में क्या है? प्रोसीजर में ये है कि आपका बाइसिकल हो सके तो आप जब भी नया बाइसिकल लेते हो वैसे बॉक्स पैक में आता है, वैसे बॉक्स पैक में रखो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर स्टेशन के बाहर वो लोग जो अपना राइस बैग या वो कुछ रहता है ना, वो सिर्फ आपके गुनी उसके ऊपर वो लोग बांध देते हैं और उसके ऊपर डिटेल लिखते हैं। तो कौन सा डिटेल रहता है, आपका स्टार्ट जर्नी, एंड जर्नी, आपका वो जो रिसीप्ट नंबर है वो, और अगर कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए तो उनको उतना कुछ डिटेल लिखते हैं। ज़्यादा ये 3 डिटेल लेकिन कम से कम रखते हैं, और आपका नाम लिख के रखते हैं। तो इतना डिटेल आप भी खुद भी लिख के बॉक्स के ऊपर रख के जाओगे तो भी होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस अभी तक का ये है, क्योंकि वो लोग आपका बाइसिकल लोड कर रहे हैं सो दे आर एक्सपेक्टिंग सम मनी, मॉनिटरी एडवांटेज, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस आ गई है। तो अगर आप उनके पास से पैक नहीं करवा रहे हो या फिर उनको अंडर द टेबल वाले पैसे नहीं मिल रहे, तो आपकी बाइसिकल को वो लोग ख़राब तरीके से रख के डैमेज होने के चांसेस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाइसिकल अच्छे से ही जाए, इसीलिए हो सके तो उनको ये सब चीज़ें ऐसी है जो एनकरेज नहीं करनी चाहिए। लेकिन फैक्ट यही है कि अगर बाइसिकल को अच्छे से भेजना है तो सबका ख्याल रखो। इवन मैंने सुना है कि मोटरसाइकिल लोग बेचते हैं उनका भी मिरर कुछ टूट जाता है, तो बाइसिकल के थोड़ा सा डर रहता है। बट अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे जैसे आपने बताया, तो अगर गैर टूट गई आपकी साइकिल की, अगर आपकी साइकिल की गैर टूट गई, हाँ एग्जैक्टली, हाँ डेलिकेट पार्ट्स को प्रॉपरली रैप करके एंड जितना हो सके पार्ट्स आप बैग में कैरी कर सकते हो उतना अच्छा, अभी ये प्रोसी अभी ये जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तभी आपको आपके टिकट का जेरोक्स कॉपी रखना है, टिकट का कॉपी, और आपकी आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड का भी एक कॉपी रखना है। ये दोनों वहाँ पर आइडेंटिटी के लिए देना पड़ता है, उसी के बाद आपको साइकिल वो लोग लगेज में रखने देंगे। तो ये दोनों का जेरोक्स कॉपी लेके जाना, क्योंकि कभी कभी हमारा टाइम ऐसा होता है कि आप जेरोक्स ना निकाल पाओ, सुबह 6 बजे शायद कोई जेरोक्स वाला स्टेशन के आसपास ना, इसीलिए ये पहले से ही तैयारी करके जाना, आपका आइडेंटिटी प्रूफ का कॉपी और टिकट का प्रिंटआउट साथ में लेके जाना वहाँ पर। और अगर बाइक कोई लेके जा रहा है, अगर ये वीडियो कोई जो बाइकर है वो भी देख रहा है, तो आपको बाइक का रजिस्ट्रेशन का कॉपी और पेट्रोल एम्प्टी करके जाना है, अपार्ट फ्रॉम जो प्रोसीजर है बाइसिकल के लिए। बाइक वालों को
उसमें से पेट्रोल निकालना है और अपना रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो उनको देना है। करेक्ट करेक्ट। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट लोडिंग द साइकिल कि गो टू द टीसी ऑफिस गेट ऑल डिटेल्स एंड एवरीथिंग। बट अभी हम लोग सपोज डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वहाँ पे अनलोडिंग करना है, तो ट्रेन सपोज वहाँ पे 5 मिनट से रुकेगा, तो वो कैसा होता है, मतलब इतना फास्ट वो लोग अनलोड कर देंगे? तो आपको पता है आपका स्टेशन आने वाला है, तो आपको टूवर्ड्स लगेज वैन जाना चालू कर देना है। तो मैं अपना सारा सामान लेके लगेज की तरफ चले जाता हूँ और फिर वहाँ पर तुरंत उतर जाता हूँ और फिर उनको बोलता हूँ कि दीजिए। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, हर स्टेशन पे कभी कभी वो लोग नहीं खोलते, तो इसीलिए हो सके तो आपका ट्रैवल बड़े बड़े स्टेशनों के बीच में ही करो, या फिर पहले से बता के रखो, ट्रेन में बात करके रखो कि यहाँ खुलेगा नहीं खुलेगा, क्योंकि ये जो लगेज वैन है वो ऐसे ही नहीं खोल सकते वो लोग। ओके वहाँ पर जो टिकट मास्टर या तो पुलिस पर्सनल या कोई तो ऐसा बंदा, रिस्पॉन्सिबल बंदा रहेगा जो चेक करेगा कि कोई भी सामान अनलोड नहीं हो रहा है, कोई भी सामान लोड नहीं हो रहा है, प्रॉपर रिसीप्ट के साथ कुछ चीज़ अंदर जा रही है, क्योंकि बहुत सारी इलीगल चीज़ें भी इसमें जा सकती है। तो रेलवे उसमें बहुत केयर करता है, आपको ऐसे ही कुछ भी सामान नहीं लाने लेके जाने देगा या निकालने देगा, तो हर स्टेशन पे वो ना भी खुले। इसलिए हो सके तो अपना ट्रैवल मेजर स्टेशन के बीच में ही करो। ओके एंड पहले से पूछ के रखो कि खुलेगा कि नहीं, कितना टाइम रुकेगा आपको पता होना चाहिए, ट्रेन कितना टाइम रुकने वाला है, एंड गो टुवर्ड्स द लगेज कंपार्टमेंट ताकि तुरंत आप डब्बे के तुरंत उतर के आप लगेज के पास जाके पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये मेरा साइकिल और इसे उतार दो। ओके सो व्हाट इफ सपोज कभी नहीं उतार पाए, आप उतर गए पर अगर लगेज आगे चला गया तो फिर उसको वापस लाने के लिए? नहीं तो कैसा है एक्चुअली, आपके पार्सल के ऊपर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है ना, तो समझो आपका डेस्टिनेशन से आगे भी चला गया ना, तो रेलवे उसको वापस भेजेगा, जैसे वो पार्सल की तरह उसे ट्रीट हो जाएगा, फिर वो लेकिन आपके स्टेशन के ऊपर वो वापस आएगा। ओके आना चाहिए ये प्रोसीजर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द चार्जेस, सो आई थिंक चार्जेस उसी तरह से होंगे जिस तरह से एक रूल बुक होगा उनके पास, वहाँ पे भी वो लोग उनको हम बताएंगे, वैसे ही कुछ होगा। ओके करेक्ट, जो चार्जेस है सेम आप डायमेंशन और वेट के हिसाब से होता है। वेट आपका क्राइटेरिया पहले डायमेंशन, क्योंकि एक्स्ट्रा डायमेंशन है इसीलिए उसे ज़्यादा वेट की कैटेगरी में डाला जाता है, 40 kg बाइसिकल के लिए है। रेट चार्ट जो भी आपको TC बोल रहा है वो आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है, वरना लगेज की कैटेगरी जो हाईएस्ट है उसे कंसिडर करके कितने किलोमीटर है और 40 kg के लिए कितना आ रहा है वो मार्क करके उतना आपको पैसा देना है। सिक्स टाइम्स जो रूल बुक बोल रहा है कि बाइसिकल फॉल्स इन 40 kg वेट कैटेगरी फ्रॉम मिनिमम 25 rupees पर किलोमीटर, 25 or 30 rupees के आसपास है, एंड जो फाइन है वो 50 के आसपास, मिनिमम 50 का है और वरना 6 times है उसका। करेक्ट, लगेज में तो पॉसिबल ही नहीं है, लगेज में एक ऐसा पॉसिबल है कि कोई लोग अपने साथ कैरी करते हैं कोच में, तो अभी जैसे कोई रोडी जिसका है और उसे नहीं डालना है लगेज, दोनों टायर निकाल के अपने बर्थ में रख देते हैं ये प्रोसीजर एनकरेज करने जैसा तो नहीं है लेकिन लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा टिकट ले भी लिया है तो भी TC आके जगह अगर अच्छे से चेक करेगा तो इजीली पता चल सकता है कि ये बर्थ खाली है, और उसे दो जो रूल है कि दो स्टेशन के तक अगर कोई नहीं आता है वो बर्थ पे तो उसे बेच सकता है TC। तो अभी वो TC के ऊपर है आपके साथ TC कैसे हैंडल करता है, आपको उतार भी सकते हैं उसके लिए, आपको बोलेंगे कि आप निकाल दो यहाँ से, आप कुछ नहीं कर पाओगे वो टाइम पे।
एग्जैक्टली तभी आप उसको लगेज में भी नहीं डाल पाओगे। इसमें मैक्सिमम शायद आप ये कर सकते हो, गलती कर रहे हो लेकिन गलती में एक बचने का तरीका सिर्फ ये हो सकता है, आप बुक कर लो आपकी बाइसिकल लगेज में, पे कर दो। आप लगेज में नहीं डाल रहे हो, आपकी सीट पे रख रहे हो, इन केस अगर टीसी आपको उतार रहा है तो जब भी जो भी नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ पर आप वापस लगेज वैन के पास जाओ, उसको बोलो साइकिल लोड कर दो, ये मेरा रिसिप्ट है, शायद बचने के लिए, वरना आपके पास वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रोसीजर करने को आधा पौना घंटा जाता है। सो ये थे सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग साइकिल को ट्रेन में कैसे कैरी करें, इवन एक्सप्रेस एंड मुंबई लोकल दोनों, जितना भी हो सकता है सब कवर कर लिया है। बट स्टिल कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिनको साइकिल ट्रेन में लेके जाना है और उनको कुछ प्रोसीजर वगैरह पता नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको साइकिलिंग ब्लॉग्स देखने हैं देन रिसेंटली मासेज घाट का साइकिलिंग ब्लॉग आई हैड मेड, यू कैन क्लिक हियर टू वॉच इट।